पंजाब पुलिस ते समगलरां दे विचाले मुठभेड़ हुई है, दोनों पासे गोली चली ते एक जिहड़ा समगलर ओह मारिया गया। यह मामला है तरन तारण दे पट्टी दा, नशा तस्कर जा रहे सन ते पुलिस नूं सूचना मिली सी कि इत्थे नशा तस्कर जा रहे ने। पुलिस इन्हां दा पिछा कर रही सी, कैरों दे कोल ए एनकाउंटर हुंदा, पट्टी दे कोल है कैरों पिंड, जिथे रात नूं पुलिस ते समगलरां दे विचाले मुठभेड़ हुई है। पुलिस नूं लगातार सूचनावां मिल रहीआं सी कि इस इलाके दे विच कुछ तस्कर नशा तस्करी कर रहे ने। दो दिनों तो पुलिस उत्थे काफ़ी पहले भी समान फड़ चुकी है, एक दो दिन पहला 18 किलो हीरोइन फड़ी गई सी, एक दिन पहला 5 किलो हीरोइन फड़ी गई सी। पुलिस नूं सूचना सी कि इस इलाके दे विच पाकिस्तान वालों होर भी बहुत सारी जिहड़ी है वह हीरोइन भेजी गई है, इस करके पुलिस सरगर्म सी ते नाका लाया आया सी। पुलिस ने कैरों पिंड दे कोल कोटी शेखां तों वरना कार नूं आउंदिया वेख्या ते इन्हां बंदिया ने कार नूं रोकण दी बजाए कार नूं भजा लिया ते पुलिस नूं शक होया ते पुलिस भी इन्हां दे मगर लग गई ते इन्हां ने पहले पुलिस दी गड्डी नूं मारी टक्कर ते उस तों बाद फायरिंग शुरू कर दित्ती। पुलिस वालों भी फायरिंग की गई ते जवाबी फायरिंग दे विच एक समगलर जिहड़ा उह मारिया गया। इहदी पछाण जोरा सिंह वासी कोटी शेखां दे रूप दे विच होई है। फिलहाल पुलिस ने यह दस्या नहीं कि कार दे विचों की बरामदगी हुई है। दूजे पासे अज अमृतसर की केंद्रीय जेल दे विच कुछ कैदी आपस दे विच लड़ पाए। दसिया जा रहा है कि 10-15 कैदियों के विचाले मुठभेड़ हुई है ते इहनां दे विचों कुछ जख्मी हुए हैं जिन्हां नूं गुरु नानक देव अस्पताल दे विच दाखल कराया गया। पुलिस इस मामले दे विच अजे कुछ भी दसण नूं खुल के तैयार नहीं है, पर यह दसिया जा रहा है कि किस तरह उत्थे ये आपस लड़े ते किस तरह इन्होंने एक दूजे नूं मारिया भी है। ये वीरे कल शामी जेल दे विच लड़ाई हुई सी ते उहदे विच इन्हां दे जख्मी हो गए तिन बंदे ते इह अर्जेंटली फिर एमरजेंसी दे लई भेजे गए गुरु नानक हॉस्पिटल ते इन्हां दा परचा वगैरह भी कटवाया गया गा ते उदू बाद मतलब कि सीनियर्स वगैरह आउणगे तुहानूं उह गल्लबात सारी दसणगे विस्तार दे विच, मतलब कि जिवें सानूं ऑर्डर मिले भी इन्हां दा ट्रीटमेंट वगैरह करवाउणा गुरु नानक हॉस्पिटल दे विचों, सानूं मतलब कि स्लिप वगैरह जिन्ना भी सारा कुछ दित्ता सानूं, असीं इन्हां नूं इत्थे लेके आए। ਕਿਵੇਂ ਸਰ? ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਰ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜਰਨਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੀਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟੱਲਾ ਅਰਸ਼ ਟੱਲਾ ਇਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸੀ ਸਰਗਰਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਸੇਫ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਲੀਪੀਨਸ 'ਚੋਂ, ਅਰਸ਼ ਟੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਆਈਡੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ ਟੱਲਾ। NIA ने वड्डी कार्रवाई की है, पंजाब पुलिस ते NIA दी टीम लगातार तस्करां लई मुश्किल बनी हुई है, इन्हां दे उत्ते शिकंजा लगातार कसया जा रहा है। कई तस्करां नूं मोस्ट वांटेड करार दे दिता गया ते कईआं नूं जिहड़े विदेश च बैठे ने ते भारत दे विच गैर कानूनी गतिविधियां नूं अंजाम दे रहे ने उन्हां नूं वापस लिआउण दी कोशिश की जा रही है। अर्श टल्ला ने भी पोस्ट पाई है ते आख्या कि छेती ही आपां फिर संपर्क दे विच आवांगे। तुहानूं दस दईए कि बहुत सारे ये लोग जिहड़े कि पंजाब चों हिंदुस्तान चों फरार होकर दूजे मुल्कां दे विच शरण लई बैठे ने, ये उत्थे बह के गैर कानूनी गतिविधियां नूं अंजाम दिंदे ने, इत्थे लोकां कोलों फरौतियां मंगीआं जांदीआं, जिहनूं जी चाहिआ उहनूं मरवा दिंदे ने। इसे नूं लै के लगातार पंजाब पुलिस ते NIA वल्लों खासी कार्रवाई की जा रही सी। हुण जिहड़ा ये पीता फड़िया गया इहदी गिरफ्तारी नूं वी वड्डी कामयाबी मन्निआ जा रिहा है।